साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त दिहाड़ी में भी केसेस तो सामने आए हैं, लेकिन दूसरी जानब डीसी वकास रशीद की जानब से कुछ इकदाम है, कुछ आप लोगों ने मिलकर वहां पे क्या किया इस वक्त के केसेस भी कम हो जाए और दूसरा क्वारंटीन की फैसिलिटी भी जो है वो उनको दी जाए? देखिए मेरा ख्याल है कि ये पूरे पाकिस्तान भी कोरोना वायरस से मुतासर हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि बिहारी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने बड़े बेहतरीन इंतजाम किए हैं, जिसकी वजह से इसका जो फैलाव है आपने देखा होगा कि जो एहतियाती तदाबीर का कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से, लोग जो है उसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे रहे। ये तो एक पाकिस्तान का आलमी है, हमारे लोगों का लोग इसे बड़ा इजी ले रहे हैं, लेकिन बहरहाल इंतजामिया ने उन्होंने बड़े जबरदस्त इंतजाम किए। सर तारिक साहब आपकी बात तो दुरुस्त है कि एक जानब तो आवाम इजी ले रहे हैं, दूसरी जानब हुकूमत इजी ले रही है। आप लोगों ने लॉकडाउन को सॉफ्ट किया ना सर, आप लोगों ने लॉकडाउन में नरमी की। नहीं मैं ये समझता हूँ कि देखें जितना ये तो एक बड़ी लंबी बहस है लॉकडाउन के वाले से, मैं ये समझता अगर आप मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे तो फिर इससे भी ज्यादा मसायल पैदा होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तारिक बालचौल साहब इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। जी सर, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि तबी सरगर्मियाँ उसके बाद अमदाद बहमी और खैर खाई का सिलसिला, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ।